पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इसराइल के सीक्रेट दौरे पर है। पाकिस्तान और इसराइल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तक नहीं है, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान इसराइल से रिश्ते सुधारने की कोशिश में है, जिसके लिए उसका एक प्रतिनिधिमंडल इसराइल दौरे पर है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पाकिस्तान में मंत्री रह चुके नदीम अशरफ। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्यों का नाम छिपा कर रखा गया और इसीलिए इसे पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का सीक्रेट दौरा कहा जा रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का यह प्रतिनिधि मंडल इसराइल के अलग अलग इलाकों में जा रहा है और राजनीति, धर्म, विरासत, संस्कृति पर लोगों से बात कर रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल की इसराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान इसराइल से नजदीकी बढ़ाना चाहता है। जानकार इसे पाकिस्तान की तुर्की जैसी चाल बता रहे हैं, क्योंकि इसराइल को नापसंद करने वाला तुर्की बदला बदला नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही दोनों के कूटनीतिक रिश्ते फिर से शुरू हुए हैं, माना जा रहा है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि एर्दोगान ऐसा आने वाले चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की में महंगाई आसमान पर है और उसे निवेशकों की जरूरत है और इसराइल एक बड़ा निवेशक हो सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बदले तेवर के पीछे भी यही कहानी है। उसका प्रतिनिधिमंडल वहां हथियार और निवेशकों की तलाश में पहुंचा है, जिसे इसराइल खुश भी दिख रहा है। उसके राष्ट्रपति पहले ही बोल चुके हैं कि मुस्लिम देशों का रवैया इसराइल के लिए बदल रहा है, जिनमें केवल पाकिस्तान और तुर्की नहीं, कई और मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल से नाराजगी भूलकर आगे बढ़ने के मूड में दिख रहे हैं। पाकिस्तान ने तो इसी साल की शुरुआत में लाल सागर में इसराइल की सेना के साथ साझा अभ्यास भी किया था, जिसका नेतृत्व अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े ने किया था। यानी पाकिस्तान धीरे धीरे इसराइल के नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसे हथियारों और पैसों दोनों की जरूरत है और ये दोनों चीजें इसराइल के पास हैं।